एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो शेयर की थी आप सबके साथ, जिसमें मैंने अपना पूरा प्रेगनेंसी की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर की थी और उसमें काफी अच्छा मुझे रिस्पांस मिला है। और मैंने ये पहले से सोचा हुआ था कि अगर मुझे उस वीडियो में एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं उसी से रिलेटेड आगे भी वीडियोस बनाऊंगी। तो ऐसी ही मैं मतलब अपनी पूरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही आज एक वीडियो लेके आई हूँ, और जिसका टॉपिक ये है कि जो हमारे वॉर्म में जो बेबी होता है उसके हार्ट बीट से क्या हम पता लगा सकते हैं कि वो बॉय है या गर्ल है। देखिए, आजकल के टाइम पे आपको भी पता है कि बॉय और गर्ल सब इक्वल है, ऐसा कुछ नहीं है। और इसको आइडेंटिफाई करना या इसको पता लगवाना जो हम मेडिकल से पता लगाते हैं वो इलीगल है, तो उसके सपोर्ट में तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। लेकिन देखिए, ये हर एक कहते ना, एक पेरेंट्स जो बनने वाले हैं उनके मन में क्यूरियोसिटी होती है कि मतलब जो हमारा फ्यूचर बेबी है वो बॉय है गर्ल है, बस एक जानने की कहते ना उत्सुकता रहती है सबके मन में कि वो क्या होगा, वो लड़का होगा लड़की होगी, लड़का होगा तो हम उसके लिए इस तरीके के ड्रेसेस लेंगे, लड़की होगी तो इस तरीके के ड्रेसेस लेंगे, लड़का होगा तो ये नाम रखेंगे, लड़की होगी तो ये नाम रखेंगे। तो बस ऐसी क्यूरियोसिटी होती है किसी के मन में, क्योंकि आजकल हर कोई एजुकेटेड है और जो कहते ना पुरानी मानसिकता लोगों के मन में रहती है कि नहीं लड़का ही चाहिए, तो ऐसे आप लोगों की सोच नहीं रही है, बस एक मन में क्यूरियोसिटी की वजह से लोग जानना चाहते हैं। तो ऐसी एक कहते ना आप कह सकते हैं कि चलन है या मिथ है कि लोग ये कहते हैं कि जो हमारे पेट में बच्चा होता है वो में जो हमारा बेबी होता है उसके हार्ट बीट से हम पता लगा सकते हैं कि वो बॉय है गर्ल है। तो जैसे कि आप सबने सुना होगा कि जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें हर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में बेबी की हार्ट बीट भी चेक की जाती है, तो उसमें हार्ट बीट में कहा जाता है कि अगर हार्ट बीट 140 से नीचे है तो आपको आप एक बेबी बॉय कैरी कर रहे हो, और अगर 140 से ऊपर है तो आप बेबी गर्ल कैरी कर रहे हो। तो ऐसा मैंने भी सुना है और मुझे लगता है कि ऐसा आप लोगों ने भी सुना होगा, और जितनी भी लड़कियां इस वक्त प्रेग्नेंट हैं वो सब भी ये सुनती हैं और सोचती हैं कि जब उनकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है वो देखती है कि 140 से नीचे है तो वो सोचती हैं कि शायद हम एक बेबी बॉय कैरी कर रहे हैं, और 140 से जिनकी ऊपर आती है वो सोचते हैं कि शायद हम एक बेबी गर्ल कैरी कर रहे हैं। तो आज बस मैं उसी के ऊपर एक कहते ना ये वीडियो लेके आई हूं कि क्या ये बात सच है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है, ये एक मिथ है। आप इसको मिथ कह सकते हो या फिर आप ये कह सकते हो कि ज्यादा केसेस में ऐसा हुआ होगा कि लड़कियों की जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई होगी तो उसमें जो बेबी है उनकी रिपोर्ट जो हार्ट बीट है वो 140 से नीचे रही होगी ज्यादातर केसेस में, और उनके लड़के मतलब बॉय हुए होंगे तो वो उन्होंने बस एक चलन बना दिया कि अगर 140 से नीचे है तो आप बेबी बॉय है, 140 से ऊपर है तो बेबी गर्ल है। तो ऐसे मेरे साथ हुआ, मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ये रिपोर्ट निकाल के रखी हुई अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से मेरी ये सारी, और इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था तो उसमें हार्ट बीट जो है वो आ गई थी, बट उसका रेट हार्ट बीट का रेट नहीं आया था कि कितनी हार्ट बीट है। तो ये सेकंड अल्ट्रासाउंड है, और अगर आप इसमें देख सकते हैं, वैसे ये फ्रंट कैमरा और आपको इसमें ना थोड़ा उल्टा दिखाई देगा, आप इसको देखेंगे अगर तो ये 171 है, देखिए दिखाई दे रहा है आपको, ये उल्टा आपको दिखाई देगा, ये 171 है मतलब 140 से ऊपर है, ठीक है, ये मेरी फर्स्ट। उसके बाद आप दूसरी रिपोर्ट देखेंगे, ये देखिए ये आपका दिखा रहे हैं 145, देखिए उल्टा दिखाई दे रहा है लेकिन आप ये देखिए 145, ठीक है। उसके बाद मेरी ये थर्ड, इसमें आप देखेंगे इसमें है इसमें मतलब पहली एक ऐसी अल्ट्रासाउंड इकलौती एक अल्ट्रासाउंड ऐसी जिसमें मेरी 140 से कम हार्ट बीट आई थी मेरी बेबी की, तो इसमें आप देख सकते हैं ये है 138, ठीक है। उसके बाद ये मेरी अक्टूबर में जब मैंने करवाया था, जब मेरा सातवां महीना था, तो उस टाइम पे आप देख सकते हैं 164, ठीक है। और ये मेरी लास्ट अल्ट्रासाउंड जो कि मेरे 9 मंथ में हुई थी, और इसकी जो रिपोर्ट आई है और इसमें जो मेरी अल्ट्रासाउंड आई है लास्ट वो आई है ये देखिए आप, ये अगर आपको दिखाई दे रहा होगा 160, आपको सब कुछ इसमें उल्टा दिखाई देगा लेकिन मैं आपको बता देती हूँ 160। तो ये जितने भी अल्ट्रासाउंड मेरे हुए हैं उसमें सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि जब मेरी जो हार्ट बीट है वो 140 से नीचे आई है, और हमेशा 140 से ऊपर ही आई है, और 140 से ऊपर के मतलब हमेशा 160 से ऊपर ही आई है हमेशा। तो उस टाइम पे मैं भी सोचती थी शायद मैं एक बेबी गर्ल कैरी कर रही हूँ, जैसे कि लोगों ने कहा है कि 140 से अगर ऊपर हार्ट बीट होती है तो आप बेबी गर्ल कैरी कर रहे हो, तो मुझे भी ऐसा लगता था। लेकिन आप सब जानते हैं कि मुझे एक बेबी बॉय हुआ, और
हार्ट बीट से कहते ना बिल्कुल भी इसका कोई भी रिलेशन नहीं है कि आप बेबी गर्ल कैरी कर रहे हो या बेबी बॉय कैरी कर रहे हो। तो जितने भी लोगों के मन में इससे कहते ना बिल्कुल भी इसका कोई भी रिलेशन नहीं है कि आप बेबी गर्ल कैरी कर रहे हो या बेबी बॉय कैरी कर रहे हो। तो जितने भी लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या हार्ट बीट से आप पता लगा सकते हैं, तो नहीं, आप हार्ट बीट से पता नहीं लगा सकते कि आप बेबी गर्ल कैरी कर रहे हो या बेबी बॉय कैरी कर रहे हो। आपका बेबी आपकी लड़की होगी या लड़का होगा, आप हार्ट बीट से बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते हो। जितने भी लोग आपसे ऐसा कहेंगे तो आप उनको भी ये बात समझा सकते हैं कि ये सिर्फ एक मिथ है। ज्यादा केसेस में ऐसा हुआ होगा तो लोगों ने ये बात मान ली है, बट ऐसा नहीं होता। और आपके सामने मैं एग्जांपल हूं, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमेशा सिर्फ एक बार की रिपोर्ट छोड़ के हमेशा ही मेरे बेबी बॉय मतलब मेरे बेटे लव की हार्ट बीट हमेशा 140 से ऊपर ही आई। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि हार्ट बीट का जेंडर से कोई भी लेना देना नहीं होता। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको कोई और भी क्वेरी है ना प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन इतना है कि प्रेग्नेंट रह चुकी हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ, तो बस ये अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। और जितने भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड मिथ होते हैं वो आप सबको बता सकती हूँ कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, कितना सच है। क्योंकि जब भी कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसके मन में हमेशा सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उसके मन में, क्या होगा, कैसे होगा। तो कुछ भी अगर आपके मन में क्वेश्चन आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट्स कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।